जो मेरे सबसे प्रिय कवि हैं, पूरा हिंदुस्तान जिसे पूरी मोहब्बत के साथ सुनता है, जिनकी आवाज में खनक है, वो खनकती है तो गीतों में ऐसे लगता है कि उनकी गीतों की बहार इस पूरी महफिल को आबाद करने के लिए आए हैं। मैं चार पंक्तियों के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ। हिंदी साहित्य के बड़े गीतकार होते हैं श्री शिव किशोर तिवारी खंजन जी। मैं चार पंक्ति किसी की उधार लेकर के पढ़ रहा हूँ, अगर पंक्ति ठीक लगे तो स्वागत में उनके ताली बजाएं। मैं पढ़ता हूँ कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, बाबा कीजिए आइए कि नए कमरों में ये उदास हो जाएं। बस आप उदास मत होइए, बाबा करते रहिए, जुड़े रहिए कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है। अरे परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, और तुम ही थामे रहे गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन। इस सभागार में जितने भी उपस्थित श्रोता वृंद हैं, मैं सबको प्रणाम निवेदन करता हूं। और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का यह बैनर है, कोई बातचीत नहीं, कोई गद्यात्मक नहीं, मैं सीधे सीधे कुछ पंक्तियों से आपको जोड़ता हूं। स्वागत भी आप जैसे सुधी श्रोताओं के लिए जी, किसी ज्यादा जादू टोने की जरूरत नहीं है जी, कविता के पारखी हैं, कविता को आप सुनते हैं, जानते हैं जी। मैं तौलता हूं आपको और सीधे सीधे कविता से बात करता हूं। स्वागत भी चार पंक्तियां अपने परिचय के देता हूं जी। प्रेम की आंख तुम और वंजन हूं मैं, प्रेम की आंख तुम और वंजन हूं मैं, रूप की राख तुम और रंजन हूं मैं, ए नाता सनातन रहा तुम शरद ऋतु तथा पशिखन जलन। वाह 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 वाह, अरे वाह खंजन जी वाह। ये आधा हिस्सा जो है इसने तो हाथ खोले, लेकिन सर की जो हमको गाड़ी से लाए थे उसके बाद का हिस्सा नहीं खुला जी। चार पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं कि सिर गंगा नहाने से कोई निर्मल नहीं होता, सिर्फ गंगा नहाने से कोई निर्मल नहीं होता, दुखी जन साथ दे जो वो भी निष्फल नहीं होता, हमारे निर्धारण होता तो राम का वन गमन सीता के संग में छल नहीं हो, राम का वन गमन। जिंदाबाद। चार क्या होता है देखिए, समैया जी जादूगर है, अखिल जैन जी को आपने सुना है, सब ये बढ़िया से चुटकुलों से कविता से सब तरह से आपको जोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं, हमारे पास ये कला नहीं है। मैं तो केवल कविता से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। जब आप पूरे सदन से मुझे समर्थन मिलेगा तो मैं मानूंगा कि मेरी यात्रा सफल हो गई। संख्या में आप कम हो सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे श्रोता बहुत कम मिलते हैं। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, अभी भी कुछ लोग खामोश हैं, उनकी भी खामोशी टूटे मैं निवेदन करता हूँ। स्वागत की है जिनके दर्द सुनने में न वो बेदर्द होते हैं, कि है जिनके दर्द सीने न वो बेदर्द होते हैं, जो झूलों पर चले हैं वो कभी कांटों पर सोते हैं, किसी का दर्द चला दर्द के दिल में मचलता सुदामा से लिपट कर
करके कभी घनश्याम सुदामा, लिपट करके कभी घनश्याम होते हैं। और ये चार पंक्तियां कुछ अलग ढंग से मैं पढ़ता हूँ, इधर कुछ लोग खामोश हैं, वो भी खामोशी तोड़े इन चार पंक्तियों के साथ। निवेदन करता कि मिले यदि प्रेम का प्याला जहर भी जाम होता है, मिले यदि प्रेम का प्याला जहर भी जाम होता है, हृदय जो प्रेम में डूबा वो प्रभु का धाम होता है। है जिनका काल उत्तम उत्तम है घराना भी, है जिनका काल उत्तम उत्तम है घराना भी, वही दशरथ का बेटा बनके पैदा राम हो, वही दशरथ का बेटा बन के पैदा राम होता है। राम हम सब की शक्ति है, राम पूरे के ब्रह्मांड के हैं। मैं अयोध्या के बगल का बाराबंकी का हूँ, चाहता हूँ मेरा मन है और मुझे पता है कि राम के अभिनंदन में आप भी जुड़ेंगे। चार पंक्तियां राम के अभिनंदन के साथ में जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ कि राम हम सब की शक्ति है, ये पावन नाम अपना है। राम हम सब की ऊर्जा है, ये पावन नाम अपना है। अयोध्या राम की है और अयोध्या धाम अपना है। हमारे राम सृष्टि के हर कण में बसा कर रे, हमारे राम सृष्टि के हर कण में बसा कर रे, रहेंगे राम के होकर यही पैगाम अपना, राम के होकर यही पैगाम अपना है। चार साहित्यिक पंक्तियां सोचता हूँ, स्वागत है। सर मैं इन पंक्तियों को नहीं पढ़ता जब बहुत बहुत मेला खेला के मंच होते, लेकिन आप जैसे सुधी श्रोताओं के बीच में पढ़ता हूँ और जैसा समर्थन मिलता है अच्छे श्रोताओं का उसकी अपेक्षा रखता हूँ, निवेदन करता हूँ। सुनिएगा दादा, स्वागत है भैया। कि विषमताओं के झोंके व्यग्र मन को ताप देते हैं, विषमताओं के झोंके व्यग्र मन को ताप देते हैं, शुभाशुभ कर्म के फल पुण्य देते ताप देते हैं, किसी का कन्हैया तब परम प्यारे सखा तो साथ रे, कन्हैया तब परम प्यारे सखा को साथ रे, कि जो शीशा टूट जाए तो कभी भी जुड़ नहीं सकता, जो शीशा कि जो शीशा टूट जाए तो कभी भी जुड़ नहीं सकता, जो शीशा टूट जाए तो कभी भी जुड़ नहीं सकता, लाख पिघला दो पत्थर को मगर वह मुड़ नहीं सकता, डूबता एक निगाह ही काफी है, अगर पर टूट जाए तो परिंदा उड़ नहीं सकता, अगर पर टूट जाए तो परिंदा उड़ नहीं सकता, अगर दुनिया में आकर नाम कर जाऊं तो अच्छा है। हम केवल इसलिए इस जीवन को जिए कि हमारा घर चले, हमारा परिवार चले, तो उस जीने का कोई मतलब नहीं। सही बात। अगर हम परमार्थ के लिए जिए, परस्वार्थ के लिए जिए, तो इस जीवन का महत्व है। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि अगर अरे सर 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 कहां जा रहे हैं आपके बिना तो हम अधूरे हो जाएंगे, जाइएगा नहीं, बिल्कुल 10 मिनट सब काम रोक दीजिए, जितनी देर आप यहां से गए तैसे मैं बंद हो जाऊंगा। अब आपके ऊपर कि अगर दुनिया में आकर नाम कर जाऊं तो अच्छा है, अगर दुनिया में आकर नाम कर जाऊं तो अच्छा है, जहर के प्याले को गर्जाम कर जाऊं तो अच्छा है, जिन
जिंदगी सौंप के जीना किस काम का जीना, जिंदगी दूसरों के नाम कर जाऊं, जिंदगी